मात्र दिन में 2 घंटे काम करके आप इस बिजनेस से 10,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। ना दुकान चाहिए, ना किसी प्रकार का कोई झंझट चाहिए, सिर्फ घर बैठे आपको बनाना है। गारंटेड ये बिजनेस आप लोगों को लाइफ टाइम इनकम देने वाला है। ये उड़द का आटा है, इसी के साथ में ये ऑयल है और ये है काली मिर्च, इसको पीस करके हमने इस तरीके से तैयार किया है। इसी के साथ में ये नमक है और ये हमारा जार है जिसके अंदर थोड़ा सा पानी है। हम इन सभी चीज़ों से एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करेंगे जो डेली बेस के ऊपर हर घर के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, हर होटल्स के अंदर, हर जगह पर यूज़ होता है। और इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों को मिलने वाला है वो अनलिमिटेड मिलने वाला है। आप सोच नहीं सकते हैं कि आप इस छोटे से प्रोसेस से इतने पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक जेन्युइन धंधे की तलाश कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को एक ऐसा स्टार्टअप मिल जाए जिसे मैं ज़िंदगी भर कर सकूं और साल के 365 दिन कर सकूं, ये ऐसा बिजनेस नहीं है जो फ्लॉप हो जाए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं इतनी गर्मी में बैठ करके हम इस वीडियो को शूट कर एक बिजनेस आइडिया आप लोगों को दे रहे हैं, तो सोचिए इसके अंदर कुछ ना कुछ तो दम होगा। इसी वजह से आप लोगों को मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। 1 भी सेकंड स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको वीडियो समझ नहीं आएगा, बिजनेस आइडिया समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ में बने रहे। अभी जो आइटम्स हमने आपको बताए कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलानी है, उस चीज़ से क्या चीज़ तैयार होकर के आएगी वो मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ और मैं भूल गया था, जिसे हम पापड़ खार बोलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अभी इन सारी चीज़ों को हम इस मशीन के द्वारा तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर आटा डालने वाले हैं। सर डालें, ये पूरा ठीक है, उड़द का आटा है, उड़द का आटा है जो कि इसके अंदर डाल दिया हमने जार के अंदर। अब इसके बाद में हम डालने वाले काली मिर्च। सर थोड़ा सा आगे जूम करके दिखाएं व्यूवर्स को। हाँ, ये हमने डाल दिया काली मिर्च। अब इसके बाद में हम डालने वाले हैं इसमें नमक। ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे कि कितनी क्वांटिटी के हिसाब से कौन सी चीज़ आपको डालनी होती है। अब इसके बाद में हमें डालना है इसके अंदर पापड़ खार थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद में डालना है हमें इसके अंदर पानी डालना है। अच्छा, इतना प्रोसेस हो गया। इसके बाद में सर हम तेल कब डालेंगे? तेल जब थोड़ा मिक्स होने के बाद डालेंगे। ओके थोड़ा ये घुल जाए उसके बाद में हम इसके अंदर ऑयल डालने वाले हैं। अभी ये कर दिया ढक्कन बंद अपने, ठीक है। ये हमारा ढक्कन बंद हो चुका है, अभी हमें मशीन को स्टार्ट करना है। यहाँ से हमारा मशीन चल गया। कितनी देर के लिए हमें रोल करना होता है? 5 मिनट के लिए घुमा। 5 मिनट, खाली 5 मिनट बस। 5 मिनट के अंदर वो चीज़ तैयार हो जाएगी, चीज़ तैयार हो जाएगी। और हम ऑयल इसमें से डाल देंगे, चिपके ना। हाँ, वो चिपके ना उसका, ठीक है। गाइज, अभी हम इसके अंदर ऑयल डालने वाले हैं, जो कि हमारा 5 मिनट का प्रोसेस था वो हो चुका है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा हम ऑयल डाल देते हैं जिससे कि जो आटा है हमारा वो चिपके ना इस मशीन के और इसके पार्ट्स के ऊपर। अभी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। अभी सर कितना और टाइम चाहिए हमें? 2 मिनट चाहिए। 2 मिनट और, 2 मिनट के बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को करके दिखाने वाले हैं। गाइज, हमारा अभी का जो प्रोसेस था वो कम्प्लीट हो चुका है। अभी हम इसे निकाल करके इस जार के अंदर डालने वाले, जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं, और इसमें से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से निकल जाएगा। सर करके दिखाएं। पहले मशीन की मशीन ऑफ कर दिया हमने, यहाँ पर इसका दूसरा जो है स्विच आता है। अच्छा, ठीक है। अभी इसको हम नीचे ऐसे, ये देख पा रहे हैं अभी ये निकल गया है। अभी हाथ से हमें थोड़ा खींचना पड़ेगा। अभी हमें जो आटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसको इसके अंदर डालना है, जिसके बाद में इसका जो पट्टा है वो उधर से निकल करके आ जाएगा, जो कि प्रोसेस आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सर मशीन चलाएं। इस तरीके से हमें इस आटे को इसके अंदर डालना होता है और अभी इसका जो पट्टा है वो बन करके तैयार होगा, ये आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से ये बाहर निकल करके आता है और सेम प्रोसेस ही आप लोगों को करना होता है इसके अंदर।
अभी जो ये पट्टा बन करके तैयार हो गया, अभी हमें इस दूसरी मशीन का इस्तेमाल करना होगा। अभी इसको हम बंद कर देते हैं, अभी इसको हम चालू कर देते हैं। करें चालू करें सर। इसके अंदर ये स्पीड का दिया गया है, आप स्पीड को कम बत्ती कर सकते हैं, जो कि ये रोल की जो स्पीड है कि आपको ज़्यादा जल्दी बनाना है तो ज़्यादा जल्दी बना सकते हैं, धीरे बनाना है जैसे भी आपको बनाना होता है। ये स्पीड यहाँ पर दी गई है, ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर देख रखे हैं आप, दिखाई दे रहा होगा आपको। अभी हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं आपको कि क्या चीज़ बन करके निकल करके आती है जो कि डेली बेस पर यूज होती है। सिंपली आपको जो ये दो रोल दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर हमें इसे डालना होता है। अभी ये तैयार होकर के हमारे सामने निकल करके आएगा। जैसे कि गाइज इसके अंदर जो वेस्टेज होता है वो निकल जाता है, तो आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली खुद ही सेट हो जाता है जो भी वेस्टेज होता है। अब इसका रीयूज कर सकते हैं, अब दोबारा से इसे यूज कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये पापड़, पापड़ एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पर यूज होती है, सभी लोग खाना पसंद करते हैं पापड़ को। अभी इस तरीके का जो पापड़ बन करके आपके सामने तैयार हो गया है, अभी हमें इसको पैकेजिंग करके मार्केट में सेल करना होता है। वो कैसे करेंगे वो चीज़ भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ। सर कितना मतलब कि एक घंटे के अंदर या फिर पूरे दिन में कितना क्या है इसका मशीन का? ये जो मॉडल है इसके अंदर एक घंटे के अंदर अपना 1000 से 1200 पीस निकलता है। अच्छा, एक घंटे के अंदर 1000 से 1200 पीसेज, वेरी गुड सर। ऐसी मशीन है इसके अंदर जो फिनिशिंग आएगा, मेन इसका फिनिशिंग है, फिनिशिंग होता है ये जो इसका फिनिशिंग आएगा, ऐसा फिनिशिंग कहीं पे भी नहीं है। बिल्कुल सर, देख पा रहे हैं गाइस, इसका जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि कोई भी बंदा अगर खरीदना चाहेगा वो फिनिशिंग देख कर ही खरीद लेता है। अभी सर हम इसको कैसे पैकेजिंग करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने ब्रांड के नाम से इसे मार्केट में सेल करते हैं, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। सर वो पैकिंग थी ना अपने पास जो अपने बंदे ने खरीदी थी ना? जी सर। हाँ, ये जो बंदे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, सर एक बार ऑफ करना, सर आप यहाँ रखें। ये देखिए गाइस, जो इस कंपनी से जो लोग मशीन खरीद करके बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों ने अपना खुद का एक ब्रांड क्रिएट किया है, ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से उन्होंने पैकेजिंग किया है। ये इस साइड से भी आप लोग देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड से ये। अब ये यहाँ पर ये दूसरा ब्रांड देख सकते हैं, इन्होंने अपने अलग तरीके से पैकेजिंग कर रखी है। और ये इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप इसकी पैकेजिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से भी मार्केट में सेल कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके की क्वालिटी देंगे तो थोड़ी सी प्रीमियम लगती है। और आप इससे बेस्ट जो है हमारी पैकिंग क्वालिटी वो होनी चाहिए, जिससे कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में इस प्रोडक्ट की तुलना में ज़्यादा बिके, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। अगर आपका अच्छा दिखेगा तो आपका ज़्यादा बिकेगा। नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो दुकानों पे ऑलरेडी ये चीज़ें बिक रही है वहाँ पर जाके बात करनी है, उनको बोलना है कि मैं इस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं बल्क में आप लोगों को टाइम टू टाइम ये चीज़ें दे सकता हूँ, टाइम टू टाइम सर्विस दे सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आपने 50-100 दुकानों पे भी कॉन्टैक्ट कर लिया तो ये समझ लीजिए 2-4 लाख रुपये आपके कहीं नहीं जाने वाले। आराम से बैठे बैठे अपने घर पर ही छोटी सी मशीन को लगा करके आप इतना पैसा इस बिज़नेस से कमा सकते हैं गारंटी के साथ में। अगर आप लोग इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, कभी भी भेज दीजिए, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे जानकारी ले सकते हैं, आप कंपनी विजिट कर सकते हैं, किसी भी बंदे को डाउट है तो कंपनी विजिट कर सकते हैं। अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा दूर के रहने वाले कंपनी में विजिट नहीं कर सकते हैं तो आपके घर तक मशीन पहुंचाने की गारंटी कंपनी की होती है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी आप रहने वाले हो, ऑल ओवर इंडिया में सर्विस कंपनी देती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कंपनी का एक प्रॉपर एड्रेस दिया गया है, वहाँ पर गूगल मैप लोकेशन भी आप लोगों को दी गई है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर कंपनी लोकेटेड है। आप कभी विजिट कीजिए, मोस्ट वेलकम है, आपके रहने खाने की पूरी सुविधा की जाएगी और बिजनेस कीजिए, अच्छी कमाई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।